हेलो ऑल, आज का टॉपिक है पंचशील ए पंचशील इज़ वन पर्टिकुलर फार्मूला ए पंचसूत्र जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 1956 में हाउ टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल्स ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ए पंचशील वन फार्मूला वॉज बीन गिवन बाय द नेहरू ए नेहरू ए फार्मूला देने के लिए किसने सपोर्ट किया था किसने एडवोकेट किया था वो आदमी था वेरी रेलवेंट Very well, British anthropologist had requested Panchashil to give some provisions for the tribal people so that the tribal administration will happen according to the best of the tribal people. So, this particular सूत्र और फॉर्मूला और द शील इज कॉल्ड एज पंचशील इसमें क्या है पाँच पॉइंट्स आर देर इन दिस पर्टिकुलर पंचशील सो ये वाला फर्स्ट पंचशील है इसका नाम है नॉन इम्पोजिशन नॉन इम्पोजिशन बोले तो हमारा कल्चर ट्राइबल लोगों के ऊपर हमने वी शुड नॉट पुट इट ऑन द ट्राइबल पीपल सो दे विल हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग उसको उसका संस्कृति है उसको उसका कल्चर है वो लोगों के उसका कल्चर से हिसाब से वो लोगों को डेवलप करना है हमारा हिसाब से वो लोगों को कल्चर नहीं देना है सो नंबर इज कॉल्ड नॉन द ट्राइबल कल्चर शुड बी प्रोटेक्टेड एंड आवर मेन स्ट्रीम कल्चर शुड नॉट बी गिवन टू द ट्राइबल पीपल नंबर वन एंड नंबर टू इज ट्राइबल राइट्स ट्राइबल लोगों को हक रहता है ना ऑन द लैंड ऑन ऑन द फॉरेस्ट एरिया द ट्राइबल राइट्स ऑन द फॉरेस्ट एंड द लैंड शुड बी प्रोटेक्टेड सो दैट वो लोगों का लैंड वो लोगों का हक वो लोगों का राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ये पंचशील में क्या बोलता है कि गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का रोल बहुत बढ़िया होना चाहिए क्योंकि ये ट्राइबल आर वलरेबल सेक्शन है ये डिसएडवाटेज सेक्शन है ये सेक्शंस को प्रोटेक्ट करना मेजर मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कैसा प्रोटेक्ट करना है ये ट्राइबल पंचशील में बताया गया हुआ है सो so पहला पॉइंट का नाम है नॉन इम्पोजिशन दूसरा पॉइंट का नाम है शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्राइबल्स एंड तीसरा का नाम है टीम्स ऑफ ट्राइबल्स बोले तो ट्राइबल पीपल शुड भी ट्रेन ट्राइबल पीपल को ट्राइबल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा और ट्रेन करते वक्त को लीडर्स बनाना चाहिए वो लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर देना पड़ेगा तो क्या होता है कि दे नो वॉट दे वॉन्ट द बेस्ट सो देर ओन ऑर्गेनाइजेशन और देर ओन कम्युनिटी एंड दे कैन गिव द पॉलिसीज विच इज सूटेबल फॉर देम सो टीम्स ऑफ ट्राइबल पीपल शुड बी क्रिएटेड who are well trained and they will be administering their own people and the fourth is called as tribal area should not be over वो लोगों को ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है उसका मतलब क्या है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स वी शुड नॉट गिव देम वी शुड नॉट मोर नंबर मल्टीपल्स मिनिमम नंबर ऑफ स्कीम्स रहना पड़ेगा और उसी के साथ उसका रिजल्ट हम इतना पैसा खर्च किया ट्राइबल पीपल के लोगों के ऊपर और इतना स्कीम्स दिया बोल के वी शुड नॉट जज दम वी हैव टू जज बेस्ड अपॉन द ह्यूमन कैरेक्टर विच इज कमिंग आउट बोले तो

क्योंकि नॉन इंपोजिशन आज भी हम लोग ये मेन स्ट्रीम कल्चर को ट्राइबल कल्चर के ऊपर हम डालते हैं सो इट इज रिलेवेंट टुडे टू प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ द ट्राइबल नंबर टू आज भी लैंड एक्विजिशन लैंड एलिनेशन के नाम पे ऊपर हम ट्राइबल लैंडो को लेते हैं हम लोग सो वी शुड प्रोटेक्ट एंड वी शुड गिव द राइट टू द ट्राइबल पीपल नंबर थ्री टीम्स ऑफ ट्राइबल्स ए लोकल पीपल पंचायत लोग ए ट्राइबल एरिया को रूल करते हैं नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन देता है आई एस ऑफिसर और एमआर रे, ऑफिसर नो नो लोकल पीपल को हम उसको ट्रेन करके उसको लीडर बना के उसी से हम डेवलपमेंट करना पड़ेगा आज भी रिलेवेंट है चौथा पॉइंट क्या है हम एक पांच दस बीस ऐसा वाला स्कीम्स नहीं देना पड़ेगा दैट वी हैव टू गिव ओनली वन स्कीम और टू स्कीम विच शुड बी टारगेटिंग देम लाइक वन बंधु कल्याण स्कीम है उसमें क्या है हाउसिंग दिया जाएगा एजुकेशन दिया जाएगा हेल्थ दिया जाएगा स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा लोन्स दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया जाएगा सो ऑल द स्कीम्स आर

So it might be the government schemes on tribals also it should be qualitative in nature but not quantitative in nature ए वाला पंचशील है this पंचशील is relevant today also this पंचशील is relevant इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एज वेल मगर पंचशील का क्रिटिसिज्म भी है क्रिटिकली एवेल्युएट पंचशील बोल के एग्जाम में आया तो उसको आंसर कैसा लिखना पड़ेगा पहले ट्राइबल पंचशील का इंट्रोडक्शन लिखो उसके बाद ट्राइबल पंचशील में पांच सूत्रों को बारे में लिखो और क्रिटिसिज्म दे लो वॉट इज द क्रिटिसिज्म डॉक्टरिन पंचशील इज द पंचशील इज डॉक्टरिन राधर दैन बीइंग डॉक्टरिन राधर दैन बीइंग एन आइडियोलॉजी इफ इट इज अ लॉ देन इट विल बी लीगली बाइंडिंग सो क्रिटिसिज्म क्रिटिसिजमें पंचशील डॉक्टर बनाया गया है डॉक्टर की जगह अगर वो लेजिस्लेशन होता तो अच्छा होता था वो एक क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म है और एक इज इज दैट शुड बी क्रिटिसिज्मी इंप्लीमेंटेशन सुनने में अच्छा है लिखने में अच्छा है मगर इंप्लीमेंट होता है कि नहीं द स्कीम्स इज वेरी गुड द पॉलिसी इज वेरी गुड द आइडियोलॉजी इज वेरी गुड द डॉक्टर इज वेरी गुड द पंचशील इज वेरी गुड बट वॉट एवर द इंप्लीमेंटेशन देर शुड नॉट बी एन इंप्लीमेंटेशन लगने प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए देर शुद not be administrative apathy there should be proper political will then only we can develop the tribals according to their genus this will be the conclusion aisa apko aisa wala ko answer and this is about panchashil within few minutes i explained about panchashil and the relevance of panchashil and critically evaluate panchashil which is given by nehru and advocated by very relevant thank you all the best and jai hind